इवन हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड के ईवीएस का कौन सा चैप्टर, सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर का भी मैंने आपको इस पोएम तक अच्छे से करवा दिया था, इस पोएम को समझा दिया था। आज हम पेज नंबर कहाँ से करेंगे, 14 से करेंगे। कलर द लीव्स मेट अराउंड द पोएम, ठीक है। ये जो पोएम अपन ने अभी यहाँ पे पढ़ी है, इसके आसपास जो लीव्स दे रखी है, जो पत्ती है ये वाली, ठीक है, ये दे रखी है, दिख रही है सभी को। इसमें आपको क्या करना है, सभी को अच्छे सुंदर सुंदर कलर करने हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन एकदम अच्छे से। अब आगे है, कलेक्ट ए फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, मींस तुलसी होती है, मिंट्स, पुदीना एंड कोरिएंडर, धनिया, क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, ठीक है। कुछ पत्ते इकट्ठे करो, ठीक है, कलेक्ट करो, कौन कौन से, जैसे नीम के, आम के, तुलसी के, पुदीना के और धनिया के। अब इन पत्तों को क्या करना है, आपको इकट्ठा करना है और फिर इनकी स्मेल से आप इनको स्मेल से देखना है कि ये पत्ते कौन कौन से हैं। क्या तुम सिर्फ महक से ही इन पत्तियों की पहचान कर पाओगे क्या, ठीक है, इन सब पत्तों को अलग अलग इकट्ठा करके कि स्मेल से तुम्हें पता लगाना है कि कौन सा पत्ता है। लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, ठीक है, देखो कितने सुंदर चित्र बने हुए हैं, है ना, बने हुए कितने सुंदर चित्र, ठीक है। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने हैं, ये जो है ना, ये चित्र बने हैं कौन से पत्ते हैं, सूखे पत्ते से बने हैं। अब आगे क्या करना है, यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक, ठीक है। तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ, ठीक, ये एक्टिविटी दे रखी है जो दीदी है। दीदी थॉट एवरीवन हाउ टू मेक रबिंग प्रिंट्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स, ऑल यू हैव टू डू, जो दीदी थी उसने क्या सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया है। ये एक्टिविटी है, इस टाइप से ये पत्ते की किस तरह से कलर से छाप लेते हैं, या एक्टिविटी आपको करके देखनी है, ओके, इस टाइप से करके देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, लुक एट द पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर देख रहे हैं, देखो आप सब, एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम, ठीक है, इस पिक्चर को देखो और बताओ कि कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन सी थिंग्स, कौन कौन सी वस्तुओं पे पत्तियों की छाप बनी हुई है, ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी है, पिल्लो कवर्स देख रहे हो, पिल्लो कवर्स पे भी लीव्स की छाप बनी है, वॉल पेंटिंग दीवार की पेंटिंग पे भी बनी हुई है, बेडशीट पे बनी हुई है, बुक पे बनी हुई है, और गर्ल्स की पेंट पे भी बनी हुई है, और मेट के ऊपर भी बनी हुई है ना। अब आगे है, लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन, देन इज योर हाउस राइट देयर नेम्स, अब अपने घर में भी इस तरह के कौन कौन से वस्तुओं पे लीव्स के पैटर्न बने हुए हैं पत्तियों के, वो देखो और यहाँ पे लिखो। तो देखो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, इस तरह से आप लोग भी अपनी बुक में फिल कर लेना। पिल्लो कवर्स रहते हैं पत्तियों के पैटर्न्स, है ना, बेडशीट पे भी रहते हैं, दीवार, किसी किसी की दीवार पे भी पत्तियों की डिज़ाइन बनी रहती है, और दूसरे भी लिख सकते हो आप। आगे है, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देन कैन यू नेम, राइट देयर नेम्स, ठीक है। तुमने बहुत सारे पेड़ों के बारे में सुना होगा और बहुत सारे पेड़ों को देखा भी होगा, कौन कौन से को तुमने देखा है उनके नेम यहाँ पे लिखो। तो देखो मैंगो ट्री देखा है सबने, अशोका ट्री, ठीक है, बनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ये सब पेड़ सभी ने देखे हैं ना, मिल ही जाते हैं, प्रॉपर सभी जगह मिल जाते हैं। आर देयर एनी प्लांट्स डेट यू हैव हीयर्ड ऑफ बट नेवर सीन, विच वंस, अब यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधों का नाम लिखो कि जिनके बारे में आपने सुना तो है, ठीक है, पर जिनको देखा नहीं है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, यस प्लांट्स लाइक, ठीक है, हाँ हमें भी पेड़ पौधे बहुत पसंद है, कौन कौन से देखे हैं, कौन कौन से के बारे में सुना है, पाइनएप्पल, एप्पल, कैशू, आमंड्स, कैक्टस, ठीक है, इन सब के बारे में सभी ने सुना है पर देखा बहुत कम को है। अब आगे है, आस्क सम ओल्डर पीपल
इफ देयर वेयर प्लांट्स विच दे हैव सीन वेन दे वेयर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दिस डे. ठीक है, किसी भी बुजुर्ग से ओल्डर से पता करो कि क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं कि जो उस समय पहले तो होते थे जब वे छोटे थे लेकिन आप दिखाई नहीं देते हैं. ओके, ऑल्सो ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier. ठीक है, क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो पहले नहीं थे अब दिखते हैं. ठीक है, रहते हैं बहुत सारे कि पहले नहीं होते थे पर अब हैं, उनके नेम भी आपको लिखने हैं. ये करके देखना सभी, है ना, एक्टिविटी. अब अगला है फ्रेंडशिप विथ ए ट्री, पेड़ से दोस्ती. चूज ए ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विथ इट. तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई सा भी एक ऐसा पेड़ ढूंढो और उससे क्या करो, फ्रेंडशिप करो. अब आगे है कि व्हाट ट्री इज इट. ठीक है, आपको बताना है कि जिससे तुमने दोस्ती करी है वह किस चीज़ का पेड़ है. ठीक है, तो आस्क सम एल्डर्स इफ़ यू डोंट नो, यदि नहीं जानते हो तो किनसे पूछो, अपने बड़ों से पूछो. आगे है विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड्स ए स्पेशल नेम, क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ नाम देना चाहोगे. ठीक है, तो व्हाट विल यू नेम इट, उसका नाम क्या रखोगे. ये आप सेल्फ भी कर सकते हैं, चीज़ें मैं बता रही हूँ वो. डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स विच वंस. ठीक है, क्या है आप पेड़ जो है ये फूल देता है या फल देता है, बताओ कौन से देता है, फूल या फल. आगे हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक. ठीक है, इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं ये भी बताओ, आंसर दो. डू एनिमल्स लिव इन द ट्री विच वंस, क्या इस पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं और रहते हैं तो कौन से रहते हैं. अब ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड्स ट्री बिलो एंड कलर इट. ठीक है, जिस पेड़ से तुमने दोस्ती करी है, ठीक है, उस पेड़ का यहाँ पे नीचे क्या बनाना है, आपको चित्र बनाना है और उसमें कलर भी करना है. ये कर लेना आप लोग, है ना, ये फिल भी कर लेना बुक में. ओके,